अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी। तो बिरयानी के लिए मैंने ईद स्पेशल बिरयानी बना रही हूँ। और भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे जितने आ सकते थे मैंने यहाँ पे रखी हूँ। प्याज को मैं बिरिस्ता बना के ले लूँगी, टमाटर, घी, तेल, नमक, ये कुछ खड़े गर्म मसाले हैं, ऑयल, हल्दी, ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और ज़ीरे का पेस्ट है, यह है बिरयानी मसाला, दही और गोश्त। तो आहिस्ते आहिस्ते जैसे, तो यहाँ पे मैंने डाली हूँ प्याज, कुछ गरम मसाले हैं, तेल और घी डालकर मैं प्याज को अच्छा सॉटे करके ले लूँगी, एकदम गोल्डन ब्राउन करके ले लूँगी। प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन करना है और उसमें से कुछ प्याज मैं निकाल के ले लूँगी और थोड़े प्याज में फिर बाकी का मसाला डालेंगे। तो ये देखो, ये प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं और थोड़े से ब्राउन करके ले लूँगी। इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल के अब ले लूँगी। अभी इसी प्याज में मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। एक दो मिनट उसको अच्छे से भून के ले लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी मैं। अभी अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद में ये गोश्त डाल रही हूँ। ये मैंने बोनलेस ली हूँ। बोनलेस गोश्त की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे तो ठंडी वाली भी बिरयानी बहुत टेस्टी लगती है। ये गोश्त डाल दूँगी, इसको अदरक लहसुन में ले लूँगी और इसी स्टेज पर मैं नमक डाल दूँगी ताकि गोश्त में नमक अच्छे से लग जाए। कुछ मैंने अदरक लहसुन में भून के ले ली हूँ। अब बाकी के मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर और ये मैंने ले ली है बिरयानी मसाला, ये मेहरान का ली मैंने, इसका फ्रेग्रेंस और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये है हल्दी। अब ये डाल के मैं इस गोश्त को इस मसालों में भून के ले लूँगी। देखो तेल छूट गया है, मसाले मतलब भून गए हैं अच्छे से। अब डाल देंगे टमाटर। टमाटर डाल के अच्छे से चला के ले लेंगे और एक दो तीन मिनट के लिए टमाटर को गलने छोड़ देंगे। टमाटर गलने लगे हैं हल्के हल्के। अब ये पुदीना डाल दूंगी। पुदीने का एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आता है टेस्ट भी। अब मैं डाल दूंगी दही और इसको अच्छे से मिक्स करके ले लूंगी। सारे मसाले डाल के हो गए हैं। अब मैं कोथमीर पुदीना सब एक एंड में डालेंगे। थोड़ा सा पुदीना आप डाल दिए हैं। अब इसको ढक्कन लगा के 4 सीटी के बाद चेक करेंगे गोश्त कितना गला है। गोश्त हमारा पक रहा है, तब तक मैंने ये पानी गर्म करने रख दी हूँ। इसमें मैंने गर्म मसाले डाली हूँ थोड़े से, और तेज़पत्ता और शाहजीरा, लौंग, इलायची और 4 हरी मिर्ची डाल दी। ये पानी बॉईल होगा। चावल मैंने भिगा के ले ली हूँ। चावल आधा घंटा भिगो के ले ली थी। पानी भी बॉईल हो गया है। अभी इस पानी में मैं चावल को डाल दूँगी और एक 80% कुक करके ले लूँगी। तो देखते हैं चावल की तरफ। तो ये देखो, चावल मैंने पसार के ले ली हूँ। अब मैं गोश्त और चावल को लेयर बना के रख दूँगी। देखो मैं लेयर लगा के ले नीचे चावल की।
इसमें गोश्त डाल दूंगी। लगा के ले ली हूँ, फिर इसका डाल दूंगी थोड़ा सा। कुटनी थोड़ा सा पुदीना और यहाँ पे डालूंगी नींबू, इसके ऊपर व्हाइट राइस डाल दूंगी। चावल की लेयर लगा दी हूँ, ये घी डाल दूंगी मैं। कोथमीर पुदीना ऊपर से अदरक। ये हमारी बिरयानी की लेयर हो गई तैयार। पास गैस पे 5 मिनट रखूंगी और 15 मिनट। तो ये मैंने ढक्कन हटा दी हूँ, अच्छी सी भाप आ गई है ऊपर, चावल भी एकदम खिला खिला बना है। चावल भी एकदम खिला खिला बना है। तो आपको मेरी ये स्पेशल बिरयानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।